क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का लेंथ है 40 सेंटीमीटर और एक डायगोनल है उसका लेंथ है 41 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पर हमको क्या पता करना है, पेरीमीटर पता करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यूज़ होने हैं। हमारे पास सिर्फ लेंथ की वैल्यू है, ब्रेथ की वैल्यू नहीं है। तो ब्रेथ की वैल्यू कैसे पता करेंगे, इसमें से ये अगर हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, अगर इस पार्ट को ऑब्ज़र्व करें रेक्टेंगल के, तो एक रेक्टेंगल के पूरे जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर, वो 90 डिग्री से इक्वल होते हैं। तो ये एक हिस्सा जो है जिसको मैंने अभी शेड किया, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब यहाँ पर ऑब्ज़र्व कीजिए, ये हिस्सा जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इस पर अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये ए बी सी और डी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर क्या है, ट्रायंगल ए बी सी डी तो रेक्टेंगल है, सिर्फ ये शेड किया हुआ ट्रायंगल यानी ए बी सी क्या है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो अब इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे, किस पर अप्लाई किया है हमने पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल एबीसी पे। यहाँ पर देख लीजिए रफ कॉलम में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये है लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये है डायगोनल 41 सेंटीमीटर और ये है ब्रेथ जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता। तो ये वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूस, ये वाली साइड है ऑपोजिट साइड और ये नीचे वाली साइड होगी एडजेसेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू तो है हमारे पास 41, तो डायरेक्टली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, 41 स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर यानी 40 स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 40 स्क्वायर प्लस ऑपोजिट साइड यानी ये वाली साइड, उसकी वैल्यू नहीं है, उसको ब्रेथ बना दिया बी, तो उसको लिख दीजिए बी स्क्वायर। अब 41 स्क्वायर क्या होगा देख लीजिए, 41 × 41, 1 × 1 = 1, 1 × 4 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो ये होगा 1681, 1681 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर, 40 स्क्वायर होगा 1600, मल्टीप्लाई कर लीजिए आपको 1600 ही आएगा, 40 × 40 = 1600। अब ये प्लस 16 को उधर भेज रहे हैं तो वो बन जाएगा -16 यानी 1681 -1600 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 1681 में से 1600 माइनस कर दिया तो 81 बचेगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 81 को लिख सकते हैं 9^2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल्स टू बी या बी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। अब हमको ब्रेथ की वैल्यू पता चल गई, ब्रेथ की वैल्यू पता चलने के बाद हमको पता करना है पेरीमीटर की वैल्यू। किसकी वैल्यू पता करेंगे, पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + B, दैट इज 2 × लेंथ है 40 प्लस ब्रेथ है 9 यानी 2 × 49। तो 2 × 49 क्या होगा, 98 सेंटीमीटर। कैसे आया 98 सेंटीमीटर, 2 से 49 को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया।